संकल्प समीर संस्थान के द्वारा हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने वाले रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में संकल्प समीर संस्थान के सचिव सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि यह साहित्य समीर सम्मान मेरे छोटे भाई की याद में दिया जाता है, जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं, जिसको देखते हुए हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि 2021 में यह सम्मान गीतकार आरडीएन श्रीवास्तव को दिया गया है तथा संस्था इन्हें सम्मानित करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। वहीं इस संबंध में सम्मान पाने वाले रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव ने बताया कि मेरे द्वारा लिखे किताबों को मान्यता मिल रही है तथा सभी लोग सम्मान दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि देश व समाज हित में काम करे तथा लिखना आता है तो समाज हित में कुछ लिखते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संकल्प समीर संस्थान के सचिव सुधीर श्रीवास्तव तथा सम्मान पाने वाले रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव ने कहा। डॉक्टर सृजन श्रीवास्तव जी से बहुत ही अच्छे विचारक है, अभिनंदन करते हुए संस्थान के अधिभावक सुनील श्रीवास्तव जी के माल्यार्पण के लिए सुरेंद्र शास्त्री को यह साहित्य सम्मान 2020 दिया गया और आज 2021 कार्य पुरस्कार हिंदी संस्थान ने अपना यह संस्थान के अभिभावक सुनील श्रीवास्तव जी से चाहूंगा कि स्मृति चिन्ह को सम्मानित मैं सुधीर श्रीवास्तव सचिव संकल्प समीर हमारी संस्था है संकल्प समीर के नाम से, जो हमारे छोटे भाई जो बड़े ही अल्पायु में गोलोकवासी हो गए थे, एक साहित्यकार थे, उन्हीं के नाम पर संस्था प्रतिवर्ष साहित्य समीर सम्मान देती है। यह सबसे पहले 2018 में प्रारंभ हुआ, जो कि वरिष्ठ गीतकार श्रीमान केवी लाल कुंवर जी को दिया गया। दूसरी बार 2019 में भोजपुरी के ख्यातिलब्ध साहित्यकार श्री सूर्यदेव पाठक पराग जी को दिया गया। तीसरी बार कोरोना काल में यह सम्मान बहुत वरिष्ठ गजलकार श्रीमान सुरेंद्र शास्त्री जी को दिया गया और इस वर्ष 2021 में यह सम्मान बड़े ही वरिष्ठ गजलकार गीतकार व्यंग्यकार और हिंदी साहित्य संस्थान द्वारा दुष्यंत कुमार नामित सम्मान से सम्मानित श्रीमान आरडीएन श्रीवास्तव जी को दिया जा रहा है। संस्था उन्हें सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। रुद्रदेव नारायण श्रीवास्तव, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मेरे प्रयास को मान्यता मिल रही है। मैंने जो कुछ लिखा है, जो कुछ मैंने किया है, उसको आज लोग स्वीकार कर रहे हैं और आनंद का अनुभव हो रहा है। युवाओं के लिए हम यही कहेंगे, अपने देश और समाज हित में अपने आचरण का निर्माण करें, अध्ययन जारी रखें, पूरा समय पढ़ने में दें और जहाँ तक हो सके कुछ लिखने काम करते हों तो लिखें भी, वो गद्य लिखें, पद्य लिखें, नहीं कुछ तो अपने दैनंदिन लिखें वो, लेकिन लिखें जरूर वो, क्योंकि लिखने से अभिव्यक्ति होती है आदमी की सच्चे ढंग से और ईमानदारी से अपने मूल्यांकन कर सकता है वो। यही कहना है मुझको।